Good morning, students. If alpha and beta are the different complex number with magnitude of beta is equal to 1, then find magnitude of beta minus alpha upon 1 minus complex conjugate alpha into beta. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मैंने लेट कर लिया अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड बीटा इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी. और मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा 1 है, तो मैंने जब बीटा को सी प्लस आयोटा डी लेट किया है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया. जो है मैग्नीट्यूड निकालने का तो फार्मूला आपको मालूम ही है, रियल नंबर का कोफिशेंट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, दोनों को प्लस स्क्वायर करके प्लस करके रूट लगा देंगे तो इससे इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. और इनकी वैल्यू जो है मैंने फार्म जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू और वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर दी है. और अल्फ़ा बार का यहाँ अल्फ़ा का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करना था डिनोमिनेटर में, वो वैल्यू भी मैंने पुट कर दी है और सिंप्लीफिकेशन करा है. सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया है और जो वैल्यू प्लस होती है प्लस कर दी और जो माइनस में है उनको सिंप्लीफाई करके मैंने कैलकुलेशन करी है. और इसमें जो है ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ किया है मैंने, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद सब सॉल्व करने के बाद एंड में रिजल्ट जो है 1 आ जाता है. फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ये इक्वेशन दी हुई है 1 मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x. यहाँ से मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि यहाँ पे x की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है. मैंने यहाँ पे क्या करा, मैग्नीट्यूड तो दे रखा था 1 माइनस आयोटा का, तो मैंने इसका मॉडुलस जो है मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया. और मॉडुलस कैलकुलेट करने के बाद बेस इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट्स भी सेम होंगे, तो एक्सपोनेंट्स सेम करके मैंने वहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. बहुत ही सिंपल था, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर 19 में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करके आप उसे मल्टीप्लाई करना, आइडेंटिटी सेम हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 20 में 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 है. यहाँ से मुझे लीस्ट वैल्यू ऑफ m कैलकुलेट करनी है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. तो जो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दे रखा है, इसका हमने कॉम्प्लेक्स का इसका हमने रेशनलाइजेशन कर दिया. रेशनलाइजेशन करके फिर इसको जो है सिंप्लीफाई करा है और m की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. m की लीस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 4 बनेगी जिससे ये कंडीशन जो है वेरीफाई हो जाएगी. बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई करिएगा और कई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको फिर सॉल्व कर देंगे. ओके, हैव ए नाइस डे बेटा.